मछली दिखी थी इसमें। और 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 भाई देख सकते हो ये क्या आ रहा है भाई, ये देख सकते हो वो क्या है, शिप। तो भाई देख सकते हो वो बोट है, और ये क्या है एक बार देख ले। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज मैं आपको एक बीच पे लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसे, शेरगांव बीच। शेरगांव बीच है पालघर में, और देख सकते हो यहाँ पे किला है और बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी लोकेशन है, बट ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, और यहाँ पे जो पब्लिक है बहुत कम पब्लिक आती है। इन फ्यूचर ये टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, है ना, क्योंकि इधर ये किला है, और जो इस किले के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो ये जो किला है, इस किले के अंदर बहुत काफ़ी सारी शूटिंग हो चुकी है ना, काफ़ी सारी शूटिंग हो चुकी है इस किले के अंदर, ठीक है। किले में भी चलेंगे अगर किला अगर ओपन हुआ तो, ठीक है। देख सकते हो लोकेशन, यहाँ पे घोड़े वोड़े भी बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हो, और रोड भी यहाँ पे बना हुआ है, और घोड़े बहुत हैं। जंगली घोड़े हैं पालतू घोड़े हैं, तो ये देख सकते हो डोमेस्टिक घोड़े हैं। देख सकते हो बारिश की वजह से यहाँ पे ये सब पानी भरा हुआ है, और अगर इसी रोड के सीधे सीधे जाएँ तो बीच आ जाता है। अच्छा, बीच मैंने सुना था न्यूज़ में कि यहाँ पे एक शिप है, क्या ये बात सच है? तो भाई हाँ, लेफ्ट साइड में, यानी कि शिप अभी न्यूज़ में बता रहे थे कि लॉकडाउन के भी इस वक्त जो सुनामी आई थी, सुनामी नहीं फ्लड्स आया था ना, साइक्लोन जो आया था मुंबई में, उसकी कारण की वजह से यहाँ पे एक शिप फंस गया था पालघर में। तो वो शिप भी अगर देखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। ग्रीन भी बहुत हो रखी है, क्योंकि अभी जून चल रहा है, जून चल रहा है, हाँ जुलाई का आज 1 तारीख है, तो आप देख सकते हो 2 तारीख है आज जुलाई की, ठीक है। देख सकते हो कि जिसकी बारिश की वजह से सब ग्रीन हो रहा है। तो भाई ये देख सकते हो ये धान है, तो ठीक है आज धान गाइड करोगे ना मुझे, हाँ गाइडर ये यहाँ के लोकल है, लोकल है, तो इन्हें सारी चीज़ें पता है, ठीक है इसके बारे में। भाई चलते हैं, ऐसे मैंने सुना रात में अलाउ नहीं आता है ना, अच्छा गांव वाले आते हैं, वैसे जो आता है ना रात में अलाउ नहीं है ऐसा कहा जाता है, तो हम देखते हैं जब तक रुकेंगे, शाम होएगी तो, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो सामने ही हमारा ये बीच आ जाता है, और ठीक है यहाँ पे लोग राइडिंग वाइडिंग करते हैं, ठीक है। थार वार खड़ी है, और लोग चलाते हैं बाइक, और ATV जो बाइक होती है वो भी है ना, तो देख सकते हो धूप अभी बहुत है ना, धूप के चक्कर में, लेकिन हवा चल रही है तो धूप का पता नहीं चल रहा। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे टूरिस्ट फिर भी नहीं आते, लेकिन साइक्लोन की वजह से चप्पल जूते सब पड़ा है, मतलब ये गंदा है। अच्छा ये जो काला ये है ना पेट्रोल जो आ रहा है, देख सकते हो। सो यार आवाज़ थोड़ी सी ना कम सी आ रही होगी, ओ भाई साहब। सो देख सकते हो शिप मुझे तो दिख रही है, अगर कैमरे में नहीं दिख रही है तो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ से दिख रही है शिप जो है, देख सकते हो पब्लिक बिल्कुल नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं, और डस्ट बहुत है, यानी कूड़ा बहुत है। मैं आपको अभी शिप दिखाता हूँ, तो शिप जो है वो ठीक मेरे पीछे है, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। धूप बहुत है तो आंखें भी नहीं खुल रही है, फिर भी आवाज़ थोड़ी सी हवा के चक्कर में आवाज़ भी नहीं आ पा रही है फिर भी। तो गाइस देख सकते हो सामने बहुत जूम इन करके भी काफ़ी दूर है, यानी कि 5-6 किलोमीटर दूर होगी, है ना, तो 3 किलोमीटर दूर है शिप जो है यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये शेल्स पड़ी हैं, इसमें बहुत सारी शेल्स हैं, ये जैसे कि ये देख सकते हो ये भी एक शेल्स है ना, ये समुंदर में से निकल के आई है शेल्स, तो यार देख सकते हो मतलब शेल्स पड़ी हैं, बहुत सारी शेल्स पड़ी हैं, ये देख सकते हो फिश टैंक में डालेंगे ऐसे गल्ले जाकर, है ना। यहाँ पे अगर थोड़ा आओ तो यहाँ पे बहुत थोड़ा क्लियर पड़ा है यहाँ का एरिया, संडे सफाई होती है यहाँ पे, तो देख सकते हो संडे गाँव वाले मिल के सफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन गाँव वाले गंदगी नहीं करते, समुंदर से आता है ना, मतलब यहाँ पे जो मुंबई में जुहू बीच है, यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ से तैर के फिर यहाँ पे आ जाता है। देख सकते हो ये जो है इधर एक रिवर भी है, और रिवर देख सकते हो मतलब समुंदर से रिवर कट के अंदर जा रही है। तो चलते हैं इसके पास और देखते हैं इसमें मछली वछली मिली तो देखेंगे, है ना। तो यार देख सकते हो और मतलब साइक्लोन की तरह ये पानी गोल गोल घूम रहा है, और मतलब अलग ही लुक आ रहा है, देख सकते हो यार। सकते हो ये जो पानी का जो फ्लो है पूरा राउंड राउंड हो रहा है, देखो केकड़ा दिखाता हूँ मैं आपको,
पानी में गायब हो गया, केकड़ा था इसमें। गाइस देख सकते हो आप, हम अभी नदी पार कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पानी बिल्कुल साफ है ना, ये नदी का है ना पानी बिल्कुल साफ है, और बस थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, ये पेट्रोल की वजह से जो डीजल लीक हो रहा है, सामने जो बोट आई है उसकी वजह से लीक हो रहा है, बस उसी की वजह से ये थोड़ा पानी ब्लैक हो रहा है, वरना बहुत पानी साफ होता है। अभी मैंने मछली देखी है, अभी पता नहीं मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे, और पूरा जो व्यू है वो बहुत ख़तरनाक है। यहाँ से चारों तरफ हवा चल रही है और आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, आ रही है तो लाइक कर देना। देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, और किसान भाई ने हमें अभी ये बताया है कि जो यहाँ पे पहले जो ये नारियल के पेड़ है ये तहर के आए थे। हाँ, पहले बीच थे नारियल थे, वो इतने झाड़ यहाँ पे लगते गए और उसी तरह वो रिप्रोड्यूस होते होते झाड़ बन गए। यानी कि उन्होंने अभी बताया है कि यहाँ पे जो पहले नारियल के पेड़ नहीं होते थे ये समुन्द्र में बह के आए हैं, और धीरे धीरे नारियल के पेड़ चारों तरफ बढ़ गए हैं। दिखा देता हूँ, ठीक है ना, चारों तरफ मतलब अनगिनत पेड़ हैं, और नीचे भी देख सकते हो ये जो छेद हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, मतलब केकड़े का घर है ये। तो भाई देख सकते हो ये छोटे छोटे जो छेद है इसमें केकड़ों का घर है। तो यार काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और कोई आता है इस लोकेशन पर आना तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा एड्रेस दे दूँगा, जो भी मुंबई में रहता है, क्या मुंबई से बाहर रहता है और आना चाहता है वो आ सकता है, ठीक है। और किसी को गाइड की ज़रूरत हो तो किसान भाई हैं हमारे, गाइड कर देंगे। अच्छा, मछली पकड़ने वाले लोग कहाँ पे होते हैं? इधर ही सुबह में आते हैं जब अच्छा मछली अंदर तक जाते हैं ना वो लोग, तो भाई देख सकते हो अंदर तक मछली पकड़ने वाले लोग जाते हैं, और मतलब चारों तरफ से जो व्यू है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, एकदम मस्त व्यू आ रहा है, ठीक है ना। सबसे अच्छा तो मुझे ये रेत अच्छी लग रही है। आपको एक बात बताना चाह रहा था, जो शिप जो यहाँ पे आई है उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे काले काले से स्टोन फंस गए, ये डीजल है, डीजल की अभी कच्ची फॉर्म है रॉ, इसे फिर फिल्टर पर किया जाएगा, फिर ऐसे डीजल बनेगा इससे। तो देख सकते हो ये जो पार्टिकल्स है डीजल के, ठीक है, काफ़ी सारी, इसीलिए जो ज़मीन है ये काली हो रखी है डीजल की वजह से। देख सकते हो कितना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो ऐसे जो पीसीस पड़े हैं बहुत सारे, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है मछलियों का नुकसान हुआ है, और यहाँ पे लोगों को जहर फैल गया एक तरीके से, आप देख सकते हो। गाइस अब चलते हैं थोड़ा सा समुंदर के पास और वहाँ का थोड़ा सा व्यू चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हो पानी यहाँ तक आ चुका है, और हम बहुत दूर आ चुके हैं, हम उस कोने में थे और अब इधर आ चुके हैं, और हमें हो सके तो उधर जाएंगे, लेकिन यार वो बहुत दूर है, पैदल तो नहीं जा पाएंगे उधर, ठीक है ना। तो ट्राई करेंगे, जाएंगे तो वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, नहीं जाएंगे, ये देख सकते हो क्या चल के आ रहा है। तो भाई ये है सीप, और ये है पत्थर। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे जो है ये समुंदर है, और उसके पीछे काफ़ी सारा अच्छा व्यू है, और देख सकते हो पानी मतलब पैरों के थोड़ा बहुत तो आ गया है नीचे। जहान ने मुझे बताया कि वहाँ पे जो ये जो है ना ये सीप, वो उधर पूरा पहाड़ सा बना हुआ है सीप का, तो वहाँ पे चलते हैं और कोई अच्छी अच्छी सीपें ढूंढते हैं और फिर उसे घर लेके चलेंगे, है ना। भाई अभी देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो है वो केकड़ा ज़रूर बहुत दिख जाएगा आपको, दिखाता हूँ मैं। भाई बग गया केकड़ा था, लेकिन था यार केकड़ा था। तो भाई देख सकते हो नदी बह रही है, मैं जा रहा हूँ नदी पार करेंगे, ठीक है, फिर उसके आगे चलेंगे। देख सकते हो ये जो है सामने, अरे ये हाथ काला कैसे हो गया, साफ कर लूँ फिर बताता हूँ, हाँ साफ़ है थोड़ा बहुत। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे रिसोर्ट बने हुए हैं, ठीक है ना, मतलब घूमने के लिए बहुत बढ़िया अच्छा प्लेस है, और यहाँ पे राइडिंग करो। और अभी समुंदर उस साइड रह गया, बाकी ये नदी निकलते आ रही है, तो भाई चलते हैं। क्या है ये, अरे भाई कीचड़ हो रखी थी इसमें, तो मैं लगा ऐसे रखा ना तो डस्ते ही चले जा रहे थे। अब भाईजान चप्पल
अरे चप्पल, अरे भाई जान ये देख सकते हो चप्पल अटक गई है मेरी। अब सवन यार नंगे पैर चले नदी में चलते हैं धोएंगे। लो भाई कैमरा पकड़ो हम धो के आते हैं। भाई देख सकते हो चप्पल टूट भी गई है, नुकसान हो गया 150 रुपये का। चलो जुड़ गई चप्पल, जुड़ गई चप्पल, जोड़ने में एक्सपर्ट है। अभी बता रहे थे कि सांप सांप होते हैं इधर, बहुत सारे सांप भी होते हैं इधर निकलिए। ये जो खड्डे हैं सांप के खड्डे। अच्छा तो भाई ये देख सकते हो ये जो खड्डे हैं ये सांप के हैं। कैमरा एक बार साफ करके दिखाता हूँ, देख सकते हो। तो भाई सांप के खड्डे हैं ये चीज देख रहे थे कि यहाँ पे ये जो है ना, मतलब कमेंट करके बताना, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये किसके फुटप्रिंट के निशान है, काफी सारे हैं लगातार। हमने सोचा घोड़े के, लेकिन ये घोड़े के भी नहीं है, तीन है बस। देखो तीन तीन है ये, एक दो तीन। तो भाई बताना, जैसे कि एक हमारी चप्पल होगा और उसका निशान वो ऐसा होता है, लेकिन देख सकते हो ये पूरे में फैले हैं। किस चीज़ के हो सकते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। देख सकते हो ये वो जगह थी अभी हम आ रहे थे उधर दूर से, तो ये देख सकते हो ये शेल्स के रहे हैं इधर, बहुत सारे शेल्स हैं, ठीक है ना। देख सकते हो ये शेल्स हैं, और यार ये स्टोन है, जैसे ये कुछ बड़े शेल्स हैं। ये देखो ये पैक शेल है, पैक इसे खोल के देखते हैं। तो भाई देख सकते हो पैक था, देखते हो अभी हमने, ठीक है ना, पूरा एरिया एक्सप्लोर करा। तो अभी मुझे क्या मिला, ठीक है फ्रंट कैमरे से दिखा दो क्योंकि आपको यकीन ना हो। तो भाई ये देख सकते हो ये हड्डी सा पड़ा है, दांत के शेप है ये, ठीक है अभी दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हो वो क्या है, शिप। तो भाई देख सकते हो वो बोट है, और ये क्या है एक बार देख ले हम। तो भाई देख सकते हो दांत से हैं, दांत। अरे हाँ ये डॉल्फिन का है। हाँ डॉल्फिन का ये, तो भाई देख सकते हो डॉल्फिन का बता रहे हैं, डॉल्फिन का दांत है, डॉल्फिन का दांत है ये, निकाल लें एक दांत। सो भाई देख सकते हो ये दांत है, पता नहीं किस चीज, डॉल्फिन। तो भाई डॉल्फिन का बता रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है ये किसी घोड़े का दांत है, घोड़े की लग रहा है, ठीक है देख सकते हो। तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी दूर आ गए यार, कहाँ उस कॉर्नर पे थे, एकदम एंड में थे, और अभी देख सकते हो काफ़ी दूर आ गए हैं। और देख सकते हो, सो गाइस देख सकते हो वो जो शिप है वो आपको अब क्लियर दिख रहा होगा, है ना। अभी भी थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं काफ़ी दूर है, 2-4 किलोमीटर तो दूर है, और हम काफ़ी ज़्यादा चल के इधर आ गए हैं। तो देख सकते हो सूरज पूरा है, और ये देख सकते हो मछली है क्या उधर, कौवा आया हुआ है। और यहाँ से जो पानी जो काला है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शिप बहुत पास में हमारे। गाइस काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, देख सकते हो ऊपर और नीचे, ठीक है, और पीछे भी देख सकते हो, बढ़िया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, किसी को आना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एड्रेस की, ठीक है, गूगल से आप आ सकते हो। अंधेरी मतलब पालघर में ये जगह है, और आप देख सकते हो चारों तरफ। अब हम थोड़ा ना शॉर्टकट से जा रहे हैं, खाता हूँ ये जो शॉर्टकट है, ये ग्रीनरी ग्रीनरी पूरा एरिया है, देख सकते हो पूरा हरा भरा एरिया है, मज़ेदार। और अब इस शॉर्टकट एरिया से चलते हैं, देखिए ना ये सारे समुद्री पौधे हैं, समुद्र के पौधे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।